रिच डैड और पुअर डैड दुनिया की सबसे फेमस किताब में से एक, जो कि हमारे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। रॉबर्ट कियोसाकी इसके अंदर एक गरीब मेंटेलिटी और एक अमीर मेंटेलिटी बताते हैं, बिना इस चीज को जज करे कि अभी फिलहाल इस वक्त आपके पास कितना पैसा है। अमीरी का सीधा हिसाब आपकी मानसिकता से होता है, ना कि आपके पास अभी कितना पैसा है। जरूरी नहीं है कि आपके पास अभी पैसा नहीं है तो कभी नहीं होगा, और अगर आपके पास ज्ञान है तो आप पैसा कमा सकते हो। और अगर आपके पास अभी भी ज्ञान नहीं है पर वो सीखने की चाह है कि अमीर लोग किस तरीके से सोचते हैं, तो आप वो भी सीखकर अमीर बन सकते हो। रिच डैड पुअर डैड में हम रॉबर्ट कियोसाकी के कुछ पॉइंट हाईलाइट करेंगे, जो कि हम अपनी जिंदगी में सीखकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जब रॉबर्ट कियोसाकी अमीर होने का तरीका अपने अमीर डैडी से सीख रहे थे, तब ना उनके अमीर डैडी अमीर थे और ना उनके गरीब डैडी गरीब थे। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिताजी नहीं थे, रॉबर्ट कियोसाकी के एक अपने पिताजी थे जिनको वो गरीब डैडी कहते हैं, और एक थे उनके दोस्त के पिताजी जिन्हें वो अमीर डैडी कहते हैं। पर जब रॉबर्ट कियोसाकी अमीर होना एक अमीर डैडी से सीख रहे थे, तब उनके अमीर डैडी ना तो अमीर थे ना गरीब डैडी गरीब थे, दोनों में सिर्फ मानसिकता का फर्क था। पर आने वाले टाइम में जिनको वो अमीर डैडी कहते थे वो बहुत अमीर बने, और जिन्हें वो गरीब डैडी कहते थे वो गरीब मरे। तो उन दोनों में क्या मानसिकता का फर्क था, थोड़ा डिटेल्ड में और जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि उनके गरीब डैडी कहते थे कि पैसे का लालच ही सारी बुराई की जड़ है, जबकि अमीर डैडी कहते थे कि पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि पैसों के बारे में कभी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, तो हमें पैसों के बारे में उन लोगों से सीखना चाहिए जो पैसों के बारे में अच्छा ज्ञान और अच्छी नॉलेज रखते हैं कि हमें कैसे अमीर बनना चाहिए और कैसे पैसा कमाना चाहिए। कोई भी गरीब आदमी अमीर बनने की सलाह हमें नहीं दे सकता। रॉबर्ट कियोसाकी के एक डैडी कहते थे कि मैं ये चीज नहीं खरीद सकता, जो गरीब डैडी थे, और एक अमीर डैडी कहते थे मैं कैसे ये चीज खरीद सकता हूँ। ऐसा बोलने से अमीर डैडी कहते हैं कि उनके दिमाग पर जोर पड़ता था और लालच पैदा होता था पैसा कमाने के लिए कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा उत्पन्न कर पाऊं और वो चीज जो मैं चाहता हूं वो खरीद पाऊं। रॉबर्ट कियोसाकी के गरीब डैडी कहते थे मैं इसीलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बीवी बच्चे पालने पड़ते हैं, जबकि अमीर डैडी कहते थे मैं इसीलिए अमीर होना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपने बीवी बच्चे पालने हैं। मानसिकता का फर्क समझ रहे हो आप? आप उसी चीज को नेगेटिव वे में भी ले सकते हो और पॉजिटिव वे में भी। फर्क आपकी मेंटेलिटी पे पड़ेगा कि आप क्या बोलते हो। आपने ये बात हर जगह सुनी होगी कि पैसा सारी बुराई की जड़ है, पैसा बहुत बुरा होता है, पैसा लोगों में घमंड भर देता है। आपको एक एग्जांपल दिया जाता है कि मान लो आपके पास पानी है, तो पानी से आप बहुत सारा यूज कर सकते हो, किसी की प्यास बुझा सकते हो, कपड़े धो सकते हो, या पौधों को पानी दे सकते हो, और उसी पानी में आप किसी को डुबा के मार भी सकते हो। यहाँ पे पानी गलत नहीं है, यहाँ पे आपने पानी का यूज किस तरीके से किया है वो सही या गलत हो सकता है। तो वैसे ही पैसा सही या गलत नहीं होता, आप पैसे को किस तरीके से यूज करते हो ये सही और गलत होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर डैडी का कभी नुकसान नहीं हुआ। रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर डैडी ने कई बारी जिंदगी में रिस्क लिए, जिसकी वजह से उनका कई सारा पैसा डूब गया और वो कई बारी कर्जे में आए, पर उन्होंने बहुत ही जल्दी अपनी वो दौलत पाली और उससे कई गुना ज्यादा पाली, क्योंकि वो पैसे कमाने का तरीका जानते थे। जबकि रॉबर्ट कियोसाकी के गरीब डैडी कभी भी बाहर नहीं आ पाए और वो पेंशन पर जीवित थे और वो बाद में बैंकरप्ट मरे। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो रॉबर्ट कियोसाकी अमीरी को सीधी मेंटेलिटी से जोड़ते हैं कि आप अमीरी के लिए क्या क्या सीख सकते हो और कितना रिस्क ले सकते हो। रिस्क का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप आंखें मूंद कर कोई भी कदम उठा लो। एक रिस्क आपको तोल मोल कर लेना चाहिए और उसको करने की इच्छुक इच्छा होनी चाहिए कि आप क्या वो कदम उठाने का साहस रखते हो। हो सकता है वो कदम उठाने के बाद आपका नुकसान हो, आपका पैसा खो जाए, पर फिर भी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए दूसरा कार्य पूरा करने के लिए। जबकि गरीब लोग डरते हैं कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। जब भी आप कोई नई चीज करोगे तो नुकसान भी हो सकता है, पर वो नुकसान आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा जो आगे आपका फायदा जरूर करवाएगा। और अगर आपको इस बुक्स के ऊपर थोड़ी और ज्यादा डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो मुझे आपके कमेंट की जरूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।